आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, वो इसलिए कि आज मैं आप लोगों को करने सिखाऊंगा हाउ टू कलराइज ब्लैक एंड वाइट इमेज इन फोटोशॉप। इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है, उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं दिल से और चाहते हैं कि मैं उनको कुछ नया सिखाऊं। तो ये पिक्चर है, कुछ दिनों पहले मैंने एक मॉडल के लिए, एक फिटनेस ट्रेनर के लिए खींची थी। ठीक है, ये दरअसल रॉ पे करा था पूरा शूट, लेकिन इसकी अभी मैंने कुछ यही आपको बताना है कि जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है उसको कलर पे किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम। मैंने ये पिक्चर रॉ पे खींची हुई थी, सही है, उसको मैंने ब्लैक एंड वाइट करा है अभी, क्योंकि मैंने ये चीज़ सिखानी थी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं है इसमें, आसान है बहुत। ठीक है, पेन पेपर कुछ भी है वो लिख लें, ले लें। ठीक है, सबसे पहले आप कंट्रोल जे दबाएंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर के लिए। ओके, उसके बाद आप मोड पे जाएंगे, आप मोड पे देखेंगे कि यार आरजीबी कलर तो ऑलरेडी हुआ है, सो इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली स्किन टोन जो बनता है वैसे स्किन टोन पे आप जाएंगे, यहाँ आप गए। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रश सेलेक्ट करा। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, देखेंगे नॉर्मल डिजॉल्व बिहाइंड क्लियर, ये कुछ भी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ कलर यूज़ करना है। ठीक है, ओके, ये कलर आपने यूज करा, अभी थोड़ा स्किन टोन टाइप आ नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको सही से सेलेक्ट नहीं करा हुआ। ठीक है, ये क्या सही है। उसके बाद आप गए यू सैचुरेशन में, यू सैचुरेशन में जाने के बाद आपने देखा कि यार कौन सा आपको सही लगा, आई थिंक ये वाला थोड़ा सा सही लगेगा, उसको थोड़ा सा जो है इसकी सैचुरेशन कम करेंगे। ठीक है, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। आप देखें कहाँ आपको फील हो रहा है कि यार यहाँ सही है, सही है, ये मुझे तो यहाँ सही लग रहा है, तो मैं यहीं से काम करूँगा। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, ठीक है, जिसको मैं कलर पे ले आया हूँ, और कलर पे किस तरीके से क्या काम करा है ये आपके सामने है सब। कितना आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, थिंक 2 मिनट भी नहीं, 3 मिनट की चीज़ थी, और उसमें मैंने आपको सब समझा दिया। ये पिक्चर ब्लैक एंड वाइट थी, इसको कलर मिले आया, ये पिक्चर ब्लैक एंड वाइट थी, इसको कलर मिले आया, सही है। ये कुछ स्टेप्स थे जो आप सीखें करें, और मैं वही चीज़ बोलूँगा आपको कि आप लोग बार बार भूल जाते हैं मुझे बताना कि आप लोग को क्या सीखना है। अब मैं मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से अपना थोपड़ा ला के आप लोग को बताना पड़ेगा, आप लोग से पूछना पड़ेगा कि यार खुदा का वास्ता आप लोग मुझे बताओ आप लोग क्या सीखना चाहते हो। अभी सिर्फ आवाज़ है, शक्ल नहीं है मेरी, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग को जो सीखना हो मुझे बताएं। ठीक है, ताकि मैं आप लोग को सिखा सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मुझे बोलता है कि मुसी भाई ये चीज़ सिखा दें, मुसी ओए ये बता दें, मतलब आप लोग कुछ बोलो तो सही, मुझे बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं होता मुझे कुछ भी। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप थे ये, सिखाया मैंने आपको। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे हम किसी और चीज़ के बारे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।